नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। हमारा काम है आपको नई जानकारी देना, हमारा उद्देश्य है आपको नई नई जानकारी देकर आपको जागरूक बनाना। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव भारती यूनिवर्सिटी के काले कारनामे, स्टूडेंटों को जरूरत नहीं है डरने की। हाँ तो दोस्तों, मानव भारती यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो सोलन में स्थित है, जिसको यूजीसी द्वारा तथा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, फार्मेसी ऑफ मेडिकल द्वारा अप्रूवल मिला हुआ था और साथ ही साथ नैक का अवार्ड भी यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था। दोस्तों बताना चाहेंगे, नैक का अवार्ड चुनिंदा यूनिवर्सिटियों को ही मिलता है। अभी अप्रूवल होने के बाद भी यूनिवर्सिटी गलत एक्टिविटियां कर रही थी, स्टूडेंटों को जाली फर्जी डिग्रियां जारी कर रही थी। अगर मीडिया की माने तो यूनिवर्सिटी ने लगभग 5 लाख से ज्यादा जाली डिग्रियां सेल की है, जिसके बदले में उसने पैसे प्राप्त किए हैं और पैसे लेकर वो डिग्रियां बांट रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर मीडिया की सारी बातें सच होने लग जाए या मीडिया जो बताए वो सारी बातें अगर सही होने लग जाए तो आज हमारे देश में आधी से ज्यादा जनसंख्या जेलों में होती। अगर मीडिया सारी बात सही बताने लग जाए या मीडिया के आधार पे ही अगर फैसले होने लग जाए तो हमारे देश में पुलिस और कानून व्यवस्था का कोई राइट नहीं रह जाता है, उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन जब पुलिस ने यूनिवर्सिटी परिसर में रेड की तो वहां बहुत सारे चौंकाने वाले सबूत पुलिस को हाथ आए और उन्हीं सबूतों के आधार पर यह बात सत्य साबित नजर आई कि यूनिवर्सिटी में गलत एक्टिविटी चल रही थी, यूनिवर्सिटी गलत डिग्रियां जारी कर रही थी। पुलिस ने जब यूनिवर्सिटी परिसर में रेड की तो वहां से सारा डाटा, जो स्टूडेंट वहां रेगुलर पढ़ रहे थे या जिन्होंने जो पास आउट हो गए थे उनका सारा जो रिकॉर्ड एक कंप्यूटरों में जो दर्ज था, उनकी सारी हार्ड डिस्क पुलिस ने जब्त कर ली। वो आज उन हार्ड डिस्क और डाटा की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्सिटी पर 3 मार्च 2020 से FIR दर्ज होने के बाद जब से रेड हुई है तब से सारा डाटा पुलिस के पास है और इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंप्लीट जांच करके अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करती तब तक किसी भी व्यक्ति की या किसी स्टूडेंट की डिग्री को फर्जी बोलना गलत है, क्योंकि वो जब तक कोर्ट द्वारा डिसाइड नहीं हो जाता, उसके आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक वो डिग्री जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। हाँ तो दोस्तों, मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन से जो भी स्टूडेंट अभी पास हो चुके हैं, यहाँ कहीं नौकरी कर रहे हैं या आगे एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। जबकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रही है, वो अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा भी अगर कोई जांच की जाती है तो भी उसे सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि पुलिस जब जांच करती है उसके बाद एक चार्जशीट न्यायालय, जो सक्षम न्यायालय होता है, वहां पेश करती है और न्यायालय के अंदर उस संपूर्ण जांच को उन्हें देखा जाता है और वहां गवाह एविडेंस जो कलेक्ट किए हैं पुलिस ने उन सभी को दोबारा देखा जाता है। उन सारी जांच करने के बाद ही न्यायालय एक आदेश पारित करता है, उसके बाद जो आदेश पारित होता है उससे साबित होगा ये डिग्रियां जो जारी हुई है फेक है या जेन्युइन है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में कोर्ट न्यायालय जो है उनका एक क्रम है, जैसे सबसे पहले लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, एक क्रम बना हुआ है। नीचे जो प्रकरण दर्ज होता है वो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जब तक अंतिम न्यायालय उस आदेश को नहीं दे देता है तब तक उसके बारे में फैक और सही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ तो दोस्तों, आज मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पुलिस होती है उसकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है। मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो फाइल गई, वहां उन्होंने दर्ज किया, दर्ज करने के बाद वहां एविडेंस लिए उन्होंने, गवाह सबूत वगैरह इकट्ठे किए और उस पूरी प्रक्रिया की उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद अगर पुलिस को यह प्रतीत हुआ या ये लगा कि इस आदमी ने कोई जुर्म किया है तो उस फाइल को, चार्जशीट बोलते हैं जिसे, उस चार्जशीट को वो न्यायालय में पेश करती है।
न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें वही प्रक्रिया न्यायालय के सामने आ जाती है। न्यायालय भी उन सारे गवाहों, उन एविडेंसों को, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी एक ट्रायल चलती है, और ट्रायल चलने के बाद न्यायालय देखता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है क्या वो सही है या झूठी है। जब ये चीज साबित हो जाती है तो न्यायालय वहां से एक आदेश जारी करता है, वो मूल आदेश होता है। लेकिन दोस्तों, मान लो किसी व्यक्ति का मुकदमा या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, चला, उसके बाद वहां से उसको आदेश है उसके अपोजिशन में, यानी उसको ये मान लिया कि ये मुलजिम है या इसने कोई क्राइम किया है, जारी हो गया होने के बाद उस व्यक्ति के पास अब भी राइट है कि वो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आगे तक अपनी ट्रायल को कर सकता है। मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, लोअर कोर्ट ने उसे सजा दे दी, उस सजा को सस्पेंड कराने के लिए वो सेशन कोर्ट में जा सकता है, वहां पे भी अगर उसको सजा हो जाती है तो उसको हाई कोर्ट भी चैलेंज कर सकता है, और हाई कोर्ट में भी अगर सजा उसकी बरकरार रहती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकता है। ये सारी स्थितियां, ये स्टेज एक आदमी को एक प्रकरण में फॉलो करनी पड़ती है। तो आज ये कहना गलत है कि यूनिवर्सिटी ने जो मार्कशीट जारी की है या जो फर्जी डिग्रियां दी है क्या वो सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी तक ट्रायल चलेगा, पहले सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जब तक जजमेंट आएगा तब तक ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि वो यूनिवर्सिटी जो डिग्रियां जारी कर रही थी या जो दे रही थी वो पैसे के बदले में दे रही थी या रियल जेन्युइन वहां स्टूडेंट पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें आज ही कहना गलत है। इस पूरी प्रोसेस में काफी समय लगने की संभावना है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मानव भारती यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है या ले रहे हैं, उन्हें अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसमें काफी समय लगेगा, इसलिए अभी कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें और आपको इंतजार करें, देखते हैं आगे क्या होता है, अभी इंतजार करना चाहिए हमें। और आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे द्वारा आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।